Redmi Note 4 के लिए Lineage OS 20.0 का कामी एडिशन एक बिल्ड आया हुआ है। हालांकि इसके मेंटेनर अलग हैं, जो फाइनल बिल्ड एक Lineage OS 20.0 का जीलोक की तरफ से किया था, तो जीलोक की तरफ से आता था, बट जो है इनके मेंटेनर अलग है। तब यहाँ पे जो है कंप्लीट रिव्यू इसका नहीं करूँगा, क्या डिफरेंस वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, और क्या कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा या क्या नहीं है वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये 6 मार्च 2023 का बिल्ड है Lineage 20.0 का कामी एडिशन। सिक्योरिटी पैच वैसे फरवरी 2023 की देखने को मिलती है, और कर्नल देखे तो यहाँ पे डार्क मून कर्नल मिलता है, जबकि उस वाले मिलता था हालांकि जेड लॉस टाइप का। अगर आप वर्जन देखें तो सिमिलर ही मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाते हैं सिम के अंदर, तो यहाँ पे भी प्रेफर्ड नेटवर्क काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हॉटस्पॉट भी वैसे इसके अंदर भी आपका अच्छे से काम कर रहा है, उसमें भी अच्छे तरीके से काम करता था। और यहाँ पे प्राइवेट DNS नॉर्मल है, उसमें भी उसी तरीके से था। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट उसमें भी वर्किंग था, इसके अंदर भी अच्छे तरीके से कास्ट काम कर रहा है। और ऐप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गेम स्पेस भी उसमें था, जबकि इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी लॉन्चर कुछ इस तरीके का रहेगा, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप दिया गया है यहाँ पर, इस तरीके का रहेगा, बट उसमें गेम स्पेस भी यहाँ पर था, जो कि इसके अंदर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर देखें तो नोटिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर सा है, नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे मिल जाती है जो कि काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी के सेटिंग्स पूरी सेम है, बैटरी यूजेस कुछ इस तरीके का है। बैटरी लाइट भी अगर देखें तो ये भी काम कर रहा है, यहाँ पर मिल जाता है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ पर 90% है, उसमें 89th है, यानी कि बैटरी में भी कुछ खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता, सिमिलर ही बैटरी देखने को इसे आपको मिल जाती है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हालांकि मुझे ऐसा कुछ चेंज नहीं मिला है, बिल्कुल सिमिलर से जैसे उसमें था उसी तरीके का है। डायरेक्ट साउंड में इसमें भी लेटेस्ट इमेज है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी वर्किंग है। एंड डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लॉक्सिंग के अंदर भी देखोगे तो लॉक्सिंग भी पूरा सिमिलर ही मिल जाता है। डार्क थीम काम कर रहा है, फॉन्ट हो गया, आइकन शेप हो गया, या नीचे के टैप टू बैक, ये सारी चीज़ें जो है आपको टॉर्च सेटिंग ये सब सिमिलर सा मिल जाता है। वॉलपेपर स्टाइल में उसमें भी आपको प्रीव्यू में यहाँ पे जो है डिफॉल्ट वॉलपेपर ही शो करता था, इसके अंदर भी। बाकी आपका सेटिंग्स के मामले में सब कुछ सेम, हालांकि जो वॉलपेपर यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। एंड यहाँ पे अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो इसके अंदर भी सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलता, उसमें भी फिंगरप्रिंट ही था, फेस अनलॉक अभी नहीं मिलता। बाकी रोम इंक्रिप्टेड आता है, ये भी बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड आता है, वो भी जो है इंक्रिप्टेड ही आता था। और अब बात करें फिंगरप्रिंट की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर, हालांकि इस पर रिस्पॉन्स को लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। पहले भी जो उसमें भी जो है फाइनल वाला जो था उसके अंदर भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाने के बाद अगर हम बटन की बात करें, तो बटन पे जो है यहाँ पे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार मिल जाता है, और इसको इनेबल करने के बाद जेस्चर में जाना होगा, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ से यूज़ कर पाओगे। ये जो है काम कर अच्छे तरीके से इन डिस्प्ले, हालांकि साथ में हार्डवेयर बटन का यूज़ आप नहीं कर पाओगे इसके अंदर में। बाकी सेटिंग्स के अंदर जैसे कि कोई चेंज हुआ नहीं, और हार्डवेयर बटन जैसे कि बताया साथ में यूज़ नहीं होता, सिर्फ इन डिस्प्ले ही आप यूज़ कर पाओगे, जेस्चर इन डिस्प्ले या इन डिस्प्ले नेविगेशन बार यूज़ करो। बाकी बैकलाइट इसकी काम करती है, पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है उसी की तरह, तो यहाँ सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम टू सेम सेटिंग्स है। स्टेटस बार की भी सेटिंग सेम मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको वोल्ट आइकन नहीं मिलता, हालांकि ट्रैफिक इंडिकेटर है। और नीचे फिर क्लॉक की सेटिंग या बैटरी की सेटिंग देखें तो सब कुछ सेम है। एंड जेस्चर के अंदर भी सब कुछ सेम सही मिल जाएगा, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है यहाँ पर, तो ये चीज़ रहेगा। और अपडेटर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हालांकि OTA अपडेट तो नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन के बारे में, तो एनिमेशन हालांकि सिमिलर सा, एनिमेशन में ऐसा कुछ भी फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला। एनिमेशन यहाँ पे भी अच्छा मिल जा रहा है, टाइल्स सिमिलर से हैं, टाइल्स में भी कुछ भी फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एनिमेशन जैसे फाइनल वाले बिल्ड का था उसी तरीके से इसका भी आता है, एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। एनिमेशन को लेकर कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं मिली है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी यहाँ पे नॉर्मल मिल जा रही। बाकी अगर हम बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद कोई लैग होता है नहीं, तो उसके अंदर भी काफ़ी लाइट सा सिर्फ फ़र्क पड़ता था, उतना कुछ खास यानी कि दिक्कत नहीं होती थी उससे, वही चीज़ यहाँ पे भी है, यानी कि इसके अंदर भी आपका एनिमेशन सिमिलर सही रहेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी। और वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड हो जाता है जैसे कि उसके अंदर होता था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐप ओपनिंग काफ़ी स्मूथ रहता है, अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है, कोई एनिमेशन लैग नहीं मिलता ऐप ओपनिंग में, तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये भी आपका सेम रहेगा वही फाइनल बिल्ड की तरह जो फाइनल बिल्ड आया हुआ था, यहाँ कोई चेंज नहीं। कैमरा सेम बिल्कुल अपर्चर का ही मिलता है प्री इंस्टॉल में। बाकी जी के मैप यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, हो सके 8.1 जैसे कि हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 8.1 जो है इन सब डिवाइस के लिए थोड़ा ठीक है,
बाकी लेटेस्ट वाले कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जा रहे हैं, तो अगर यूज़ करना चाहो तो उनको भी यूज़ कर पाओगे, बट यहाँ पे 8.1 जो है अपने आप मेरे हिसाब से हो सके तो यूज़ कर लेना। बाकी FM काम कर रहा है, गैलरी नॉर्मल आती है, गूगल फोटो के अंदर यहाँ पे भी अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलता, उसमें भी नहीं था। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिया गया वो है मोटो ऑडियो, जो कि उसमें आपको नहीं मिलता था जी लोग वाले में, यहाँ पे मोटो ऑडियो मिल जाता है। हालांकि जब आप सेटअप कंप्लीट करोगे इसको तो यहाँ पे डिवाइस नॉट सपोर्टेड दिखाता, बट ये आप ईयरफोन जैसे ही कनेक्ट करोगे सपोर्टेड बिल्कुल काम करता है, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। ये चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती, बाकी एप्लीकेशन सिमिलर से मिल जाते हैं, और उसमें भी वैसे ओके गूगल का बग था, और इसके अंदर भी आपको ओके गूगल का बग मिलेगा। और इसके अंदर भी आपका जो ऑडियो इफेक्ट्स है काम नहीं कर रहा, चेक किया तो ये काम नहीं कर रहा, बाकी डायरेक्ट साउंड या डॉल्बी वाला जो दिया गया वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से है उसमें भी यहाँ पे। बाकी अब बात करें प्ले स्टोर की, तो सर्टिफाइड आता है, यानी कि विदाउट रूट आप बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर, उसमें भी इसी तरीके से था। एंड USB डायलरी है, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है, हालांकि मैनुअली वाला देखने को मिलता है, जबकि उसमें जीलोक वाले में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन था, बट इसके अंदर सिर्फ मैनुअली है। एंड ब्लूटूथ डिवाइस उसमें भी काम करता था, इसके अंदर भी मीडिया एंड कॉलिंग में काम कर रहा है। एंटूड स्कोर 1,24,000 आया है, पिछले में भी अगर हम देखें जीलोक वाले फाइनल में तो 1,22,000 था, यानी कि सिमिलर सा स्कोर देखने को मिल जाता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ग्राफिक देखें तो ग्राफिक सिमिलर से मिल जाता है, स्मूथ पे, हाई, बैलेंस पे, मीडियम तक, तो स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और जैसे कि बताया उसके अंदर गेम स्पेस भी हमें मिलता था, जो कि इसके अंदर नहीं मिलता है गेम स्पेस, तो ये कुछ चीज़ें जो है मिसिंग भी हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे कि डॉल्बी ऑडियो दिया गया है जो कि उसमें नहीं मिलता था, तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा, फिर दोनों वीडियो आप एक बार देख लेना, आपको कौन सा बेटर लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, यूज़ कर लेना। और यहाँ पे अगर हम बात करें गेमिंग को लेकर के, तो गेमिंग देखो उसमें भी आपको बताया था थोड़ी अच्छी गेमिंग इसके अंदर मिल जाती, ख़राब नहीं रहती है, वही आपको यहाँ पे भी मिलने वाली थी। गेमिंग या एनिमेशन देखें तो दोनों का सिमिलर ही है रोम का, बढ़िया है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर है एक्स्ट्रा, तो कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा थी, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें इसमें नहीं, तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं थी, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है एक दो एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मिसिंग है, तो उसके अंदर था ऐसा कुछ यहाँ पर है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा देख करके। बाकी यहाँ पे तो रोम अगर देखें एनिमेशन है, गेमिंग के मामले में तो गेमिंग ठीक ठाक मिल जाता है, बाकी इसका जो एनिमेशन है वो भी अच्छा मिल जाता है। तो यही था इस बिल्ड में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।